भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सतत विकास लक्ष्यों के पूर्व निर्धारित 2030 तक की समय सीमाबद्ध प्राप्ति हेतु विभिन्न 17 केंद्रीय मंत्रालयों जिसमें नीति आयोग भी शामिल है की गतिविधियों का अध्ययन करने के बाद एक रिपोर्ट संसद के पटल पर प्रस्तुत की है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG को हासिल करने के लिए भारतीय सरकार की कोशिशें अब तक अधूरी हैं। कैग ने इस रिपोर्ट के लिए शोध के क्रम में 7 राज्यों का भी अध्ययन किया है। इनमें आसाम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। कैग ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि 2030 तक SDG के लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता सरकार के बजटीय प्रावधानों में नहीं दिखती। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राज्यों के वित्त मंत्रालयों ने अब तक अपने बजटों में SDG के लक्ष्य हासिल करने के लिए वित्तीय संसाधनों का जिक्र नहीं किया। कैग ने केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा SDG की समयबद्ध प्राप्ति के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की है, साथ ही इसके लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कैग के ऑडिटर्स ने इस रिपोर्ट में SDG के तीसरे लक्ष्य अच्छे सेहत और तंदुरुस्ती का विस्तृत तौर पर निरीक्षण किया है। कैग ने अपने निरीक्षण क्रम में कई तरह की कमियां भी पाई हैं, खासकर 2030 तक की समय सीमा में इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 2020 एवं 2025 के लक्ष्य पहले से तय किए जाने चाहिए थे, जिनका अभाव है। कैग का कहना है कि इतने बड़े मिशन का अब तक कोई विजन डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ है और राज्यों ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट तक तैयार नहीं किए हैं। कैग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में अलग अलग विभागों को संस्थागत मजबूती देनी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी और भूमिकाएं निर्धारित कर देनी चाहिए। कैग ने अब तक सतत विकास लक्ष्यों का राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क तक तैयार नहीं कर पाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि इसकी कमी की वजह से SDG के लक्ष्यों की स्थिति क्या है, इसका पूरी तरह से पता नहीं चल पा रहा है। कैग ने बताया है कि 306 संकेतकों में से 137 संकेतकों के आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है। SDG कार्यक्रम के 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय आयुष, गृह मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय को शामिल ही नहीं किया गया है। साथ ही कहा गया है कि कई स्वास्थ्य संबंधी इंडिकेटर्स को भी पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जा रहा है। कैग ने अपनी सिफारिशों में सरकार से कहा है कि SDG का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का बजट आवंटन बढ़ाना चाहिए। ऑडिट में कहा गया है कि 2019-20 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्र का आवंटन लक्ष्य से काफी कम है। इसी तरह राज्यों में कुल खर्च का केवल 3.29% से लेकर 5.32% ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधान किया गया है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। We'll be right back.